महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अब सर पर है। जहां 100 दिन भी इस चुनाव के लिए नहीं बचे, वहीं मीरा भाईंदर के 145 विधानसभा क्षेत्र में हवा कुछ ज्यादा ही गर्म होने लगी है। कारण है 27 जून को हुई दो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ओर नरेंद्र मेहता और दूसरी ओर मुजफ्फर हुसैन। आइए नजर डालते हैं इन्हीं दो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। नमस्कार, मैं दीप काकड़े, आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर लाइव। 25 जून के आसपास हमारे महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल जी ने इशारा दिया कि 15 सितंबर के बाद आचार संहिता लग सकती है और कई अक्टूबर में पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव संपन्न हो सकते हैं। जैसे ही इशारा आया, वैसे ही दो दिन के बाद मीरा भाईंदर के 145 विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री नरेंद्र मेहता जी ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका पत्रकार कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग मुद्दों पे उन्होंने प्रकाश डाला और साथ ही में उन पे लगाए गए बहुत से आरोपों का खंडन भी किया। जहां एक ओर सुबह विधायक नरेंद्र मेहता जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहीं दूसरी ओर उसी को जवाब देते हुए पूर्व विधायक महाराष्ट्र विधान परिषद के मुजफ्फर हुसैन, इनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। 27 जून का यह पूरा दिन इन दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से पूरे मीरा भाईंदर में चर्चा में रहा। नरेंद्र मेहता जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने ऊपर लगाए हुए आरोपों का खंडन करते हुए हल्के से मुजफ्फर हुसैन जी की ओर भी इशारा किया। उमराव अस्पताल का मुद्दा बहुत ही चहल पहल करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। जहां पर नरेंद्र मेहता ने इस मुद्दे को उठाया, वही मुजफ्फर हुसैन जी ने भी इस मुद्दे का बहुत ही अच्छी तरह से पलटवार किया। आइए नजर डालते हैं इनके वाद और प्रतिवाद पर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका एकोमोडेशन रिजर्वेशन के अंदर उमराव हॉस्पिटल को परमिशन दी गई थी, जिसके अंदर एक FSI था और 25% इमारत का कॉरपोरेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट मान के देना था। उस कंडीशन के हिसाब से परमिशन दी गई। वहाँ के जो संचालक थे मुजफ्फर हुसैन जी, उन्होंने एफिडेविट उस समय दिया था कि 25% मान के दूंगा। तो बिल्डिंग बाद में डायरेक्टली 14 माले की बन गई इनलीगल तरीके से। महासभा में जब प्रस्ताव आया तो उनको एडिशनल FSI मिले, हॉस्पिटल का दर्जा मिले, इस प्रकार का विषय लाया गया जो शहर के लिए अच्छा था। मैं उसका सम्मान भी करता हूँ कि शहर में हॉस्पिटल हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन जब सरकार के पास गया तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका 25% था, उन्होंने कट कर डाला। एक दूसरा, दो एडिशनल FSI उनको दी गई, मूल एक होती है, दूसरी दो एडिशनल। और ये देते समय कंडीशन किया गया कि 20% इकोनॉमी वीकर सेक्शन का इलाज मुफ्त करेंगे, 10% गवर्नमेंट ऑफिसर के इलाज मुफ्त करेंगे, 10% OPD आप मुफ्त में चलाएंगे। इस तरह के कंडीशन पे उन्होंने डबल FS, दो एडिशनल FSI दिया गया और 25% महानगर पालिका का जो था उन्हें उसके अंदर माफ़ी मिली। ये हॉस्पिटल जब ऑर्डर किया तो इसका देखरेख और नियंत्रण जो था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास था, इसलिए जब कमिश्नर के पास कोई शिकायत या नगर पालिका के पास या लोकल शिकायत आती थी तो हम ना इलाज होते थे, क्योंकि हमारे पास कार्रवाई के भी अधिकार नहीं थे, इंस्पेक्शन के भी अधिकार नहीं थे या किसी को एडमिट कराने के अधिकार नहीं थे। इसलिए सरकार ने उस मीटिंग के अंदर एक कमेटी बनाई जिनके अध्यक्ष डायरेक्टर रहेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के, लेकिन उस कमेटी के अंदर उनके भी सदस्य और मीरा भाईंदर महानगर पालिका से कमिश्नर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट पंडित भीमसेन जोशी के हॉस्पिटल के हेड और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एक लोक प्रतिनिधि, मतलब वो नगर सेवक में से जिसको महासभा भेजेगी, वो इस कमेटी के सदस्य नियुक्ति के ऐसे आदेश पारित किए गए। इनको पूरा अधिकार होगा हर महीने जाके रजिस्टर चेक करना और गरज पड़े तो वहाँ पे एक सुविधा केंद्र के नाम से लोगों की सुविधा के लिए, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, इस तरह का कमिश्नर सुविधा केंद्र भी कर सकता है। अब कमिश्नर मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन और यहाँ के लोग जिसको नियुक्त करेगी महानगर पालिका, ये डायरेक्टली उसके अंदर इंटरवेंशन कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। इस तरह का आदेश भी सरकार ने किया जिसकी कॉपी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो ये मीरा भाईंदर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कि उमराव के अंदर अब 20% हॉस्पिटल के जो बेड है, 20% बेड वो गरीबों को मुफ्त में देने ही होंगे। अब वो भाग नहीं सकते और उनको अच्छा खासा बड़ा बोर्ड भी लगाना है, वो भी उस आदेश में लिखा है। और हमने ये भी कहा, हम बोलते हैं लेकिन वो करते नहीं ना, तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं करेंगे तो सहूलत रद्द कर देंगे। मैं बोला सहूलत क्या रद्द करोगे, ऊपर के 4 माले गिरा दोगे क्या, मतलब करोगे क्या? तो कहा कि नहीं, कायदे में ऐसा प्रोविजन है कि जितना हमने एडिशनल FSI दिया उतना सरकार फिर से ताबा ले सकती है। यदि उन्होंने अगर इस तरह से बार बार किया और कंप्लेंट आई और इसके अंदर सुधार नहीं हुआ तो समय आने पर सरकार इस लेवल तक जा सकती है कि उतना पार ताबा लेके सरकार चलाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय इस अधिवेशन के दौरान मंत्रियों के पास हुआ।
कमिश्नर ने जो नियम फ्रेम किए हैं उसके तहत लोगों की सेवा और सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जिसका ऑडिट रिपोर्ट चैरिटी कमिश्नर रेगुलर इंटरवल्स पे इंस्पेक्शन करते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने जो गवर्निंग अथॉरिटी फिक्स की है, हाईकोर्ट ने, मैंने आपको जो प्रश्न दिया है उसमें उसका डिटेल, उस गवर्निंग अथॉरिटी को अगर राज्य सरकार को बदलना है, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को आपको बदलना है, तो उसके लिए सरकार को बिल लाना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, बिल टेबल करना पड़ेगा। सरकार अपनी मर्जी से गवर्निंग अथॉरिटी चेंज नहीं कर सकती। हमको शासन ने उमराव इंस्टीट्यूट को कोई भी ऑफिशियल लेटर इस तरह का नहीं दिया है। चाहे कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आए, उमराव इंस्टीट्यूट इंस्पेक्शन के लिए 24 घंटा हमेशा के लिए तैयार है, क्योंकि जहां चोरी नहीं वहां किसी की डर नहीं। हाँ, डर उसको लगता है जिसने अपने अस्पताल की बिना परमिशन अस्पताल चलाया हो, जिसने बगैर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कई सालों तक के अस्पताल के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी की हो जिसके लिए उसके पास परमिशन नहीं हो, जिसने म्यूनसिपैलिटी को मैटरनिटी होम बना करके हैंड ओवर करना चाहिए था वो नहीं किया हो, और जब शहर में उसके प्रति आंदोलन होते हैं तो उसे हैंड ओवर करना पड़ता है, और जब प्रशासन उस मैटरनिटी होम को एक्यूप करने के लिए जब प्रस्ताव लाती है तो बीजेपी सत्ता में जो बैठी है, आमदार जो सत्ता में है, वो अपने मेजोरिटी के बेसिस पे उस प्रस्ताव को खारिज करते हैं, ये कहते हुए कि इस शहर में मैटरनिटी की जरूरत नहीं है। इस शहर के अंदर ओपीडी अगर किसी ने शुरू करवाई थी तो मैं जब डिप्टी मेयर था उस वक्त ओपीडी चालू की गई थी, आज तक के उतने ही नंबर ऑफ ओपीडी सेंटर्स चल रहे हैं। 2004 से लेकर आज तक के कोई नए ओपीडी सेंटर चालू इस शहर में नहीं हुए। मैं जब आमदार था तब हमने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया, हम जब आमदार थे हमने वहाँ पे डायलिसिस मशीन लगाई, हमने वहाँ ओपीडी सेंटर्स चालू किए, वहाँ पे नर्सिंग मैटरनिटी सेक्शन स्टार्ट किया गया जिसके माध्यम से आज हजारों लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो रही है। पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल, ये हमारे लोगों के कार्यकाल में तेंबा हॉस्पिटल के नाम पे शुरू किया गया। मिलन मात्रे साहब की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही कि जिला परिषद से उसे महानगर पालिका को हस्तांतरण किया गया, करोड़ों रुपए महानगर पालिका ने खर्च किए। हम जब सत्ता से बाहर हुए उसके बाद इन्होंने तुरंत वहाँ पे इक्विपमेंट्स लाए गए, इक्विपमेंट्स खरीदे गए, 35 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स खरीदे गए जिसका इंस्टॉलेशन पूरा नहीं हुआ। आज उन इक्विपमेंट्स का वारंटी पीरियड खत्म हो चुकी है, सीएमसी खत्म हो चुकी है, आईसीयू स्टार्ट नहीं हुआ, ऑपरेशन थिएटर स्टार्ट नहीं हुआ, डायलिसिस सेंटर स्टार्ट नहीं हुआ, एमरजेंसी वार्ड स्टार्ट नहीं हुआ। हुआ तो क्या हुआ, सिर्फ 2-3 बार उद्घाटन हुए, नाम बदला गया, नामकरण किया गया, और जब जब चुनाव आए, चाहे फिर विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, इसी तरह से जिस तरह से परसों फिर से एक बैठक की गई और वहां पर बताया गया कि पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल ये सरकार को हैंड ओवर किया जाए। आपकी मालूमात के लिए बताना चाहता हूँ कि शासन ने महापालिका को एक गाइडलाइन दिया है कि ये सारी चीज उसमें मुकम्मल कीजिए, ये पूरा कीजिए, तब हम इसका टेक ओवर करेंगे। मगर आज तक के 5-7 साल से ये महापालिका में सत्ता में है, इनको किसी ने रोका नहीं है कि उस कंप्लायंस को पूरा करें। पिछले महीने वहां से पेशेंट्स को, डिलीवरी वाली महिलाओं को अस्पताल से उठा करके बाहर कर दिया गया। आप में से ही कोई पत्रकार भाइयों ने वहां पर जाकर के उसके ऑब्जेक्शन लिया, पान पट्टे को फोन किया गया, डीएमसी को फोन किया गया, कमिश्नर को फोन किया गया और उन प्रेग्नेंट महिलाओं को फिर से हॉस्पिटल में रखा गया। ये तो महापालिका का कारभार है। कलेक्टर की इंक्वायरी लगी है, किसी महिला ने, कोई गायकवाड महिला ने कंप्लेन करी कि वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम्स ट्रीटमेंट का हो रहा है। जो प्रशासन आपका है, जो जिम्मेदारी आपकी है, जो महापालिका की जिम्मेदारी है, उसे तो आप पूरा नहीं कर रहे हो। खुद के 7-11 हॉस्पिटल में जो चीज आपने म्यूनसिपैलिटी को हैंड ओवर करनी चाहिए थी वो तो इतने साल आपने नहीं किया, और जब अभी कायदे के दबाव के अंदर आपको देना पड़ा तो आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, और आप वहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है इस तरह का आप सभागृह में चर्चा करके उस प्रस्ताव को कैंसिल कर।
मीरा रोड के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर हर साल तकरीबन 2000 से ज्यादा महिलाओं की डिलीवरी नर्सिंग मैटरनिटी का काम होता है। ये अस्पताल किसने बनाया था? ये हमने बनाया था, मुजफ्फर हुसैन ने बनाया था। तब तो आपको ये पता भी नहीं था कि अस्पताल होता क्या है, नर्सिंग होम होता क्या है, मैटरनिटी होती क्या है। तो कोई भी इल्जाम लगाने से पहले उसकी तय तक जाना जरूरी है और खुद के गिरेबान में नजर डालना जरूरी है। चोर की दाढ़ी में तिनका, आपकी दाढ़ी में तिनका है। हमने तो हमारी पार्टी ने तो सिर्फ अभी अनाउंस कर दिया कि मुजफ्फर हुसैन चुनाव लड़ेंगे तो पैर के नीचे की जमीन निकल गई। और इस तरह के आप आरोप बिन बुड़ा पे कर रहे हो। जिस दिन शासन हमारे को लिख करके भेजेगा कि ये आपकी गवर्निंग अथॉरिटी है, हम जरूर शासन को पूछेंगे। अगर वो इन अकॉर्डेंस टू हाई कोर्ट डायरेक्शंस है, इन अकॉर्डेंस टू चैरिटी कमिश्नर डायरेक्शन है, तो हमको तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। आप किसी भी टाइम आइए, देखिए, चैरिटी कमिश्नर तो आते ही है, देखते ही है। चैरिटी कमिश्नर को रिकॉर्ड सबमिट होता है, महानगर पालिका को हर महीने रिकॉर्ड सबमिट होता है, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी का मुद्दा मीरा भाईंदर में हमेशा ही चर्चा में रहा है। शायद आने वाले चुनाव में ये पानी का प्रश्न उतना ही बड़ा रोल प्ले करेगा, ऐसा अंदेशा है। शायद इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मेहता जी ने अतिरिक्त 35 एमएलडी पानी मीरा भाईंदर को मिलेगा, ऐसा अतिरिक्त आश्वासन दिया। इसी को जवाब देते हुए मुजफ्फर हुसैन ने पुराना पानी का हिसाब भी चुकता करने की कोशिश की। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी मीरा भाईंदर के पीने के पानी की। पूरे महाराष्ट्र में दुष्काल था, इसलिए कपात मीरा भाईंदर को भी थी, मुंबई को भी थी। कपात अपनी जगह पे, मुझे पता है कि बारिश आती है तो कपात रद्द होती है, लेकिन उसके विपरीत हमारे कुछ डिमांड थी कि मीरा भाईंदर का 75 MLD पानी जो मंजूर था, उस समय डैम की ऊंचाई नहीं बढ़ी थी इसलिए हमें 75 MLD पानी नहीं दे रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मीरा भाईंदर की समस्या गंभीर है इसलिए पानी दो, इसलिए हमें 40 MLD पानी उस 75 में से दिया गया था। हमारा भी मीरा भाईंदर का कामकाज चल रहा था, उसके अंदर लोगों को सफिशिएंट पानी मिल रहा था, लेकिन इस कपात के दौरान और 2 साल की बढ़ती हुई जनसंख्या, इसके हिसाब से 35 MLD पानी की जरूरत इस शहर को अब है। और इसके लिए मंत्री महोदय के पास बैठक लगाई कि सर अब हम सहन नहीं कर सकते, हमें 35 MLD पानी अब मिलना चाहिए। अब मंत्री महोदय ने मुझे विश्वास दिलाया कि मेहता जी बारिश 7-8 दिन में गिर जाएगी, आप जा जाए 10 तारीख गिन लो, 10 तारीख के आसपास मीरा भाईंदर को हम अतिरिक्त 35 ML, मतलब जो पानी अब एट प्रेजेंट जो 176 ML आ रहा है उसके अलावा 35 ML पानी और, मतलब ये पहली बार, ऐसा नहीं कि पहले भी था और अब है, 176 ही आ रहा है आज तक। कपात नहीं होती तो भी 176 था, कपात के हिसाब से तो शायद 140 होगा, 150 होगा, मुझे पक्का नहीं, लेकिन उसके बाद, लेकिन अब 35 ML बढ़ने के बाद 3.5 करोड़ लीटर पानी, ये केवल बारिश के लिए, अब ये हमेशा के लिए बढ़ रहा है। और इतना पानी आने के बाद एक मीरा भाईंदर को बहुत बड़ा हाथ मिलेगा, इस तरह का निर्णय हुआ। मीरा भाईंदर को 75 ML पानी, ये कांग्रेस NCP की सरकार जब थी राज्य में और मीरा भाईंदर महापालिका में, उस वक्त इसकी मंजूरी दी गई थी। और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री साहब इस शहर में आए, होर्डिंग्स लगी कि 24 घंटा पानी इस शहर को मिलेगा, मगर आज तक के इस शहर को 2 घंटे भी पानी सही तरकीब से मुहैया नहीं कराया जा रहा। महापालिका में जब हमारा प्रशासन था, कांग्रेस NCP का, पानी की किल्लत के चलते हुए, कमी की चलते हुए पानी के कनेक्शंस बंद किए गए थे। इन्होंने 75 ML की भूमिका लेने के साथ में ही वहाँ पे हजारों कनेक्शंस इन्होंने देना शुरू कर दिया। बाद में ये पता चला कि उस 75 ML पानी में से सिर्फ 40 ML पानी इस शहर को मिल रहा है, जिसमें हर साल मार्च अप्रैल के महीने में 20 से 25 चक्कर कटौती जो पूरे महाराष्ट्र में होती है, बॉम्बे में होती है, की जाती है। हाल ही में आपके मीडिया के माध्यम से थाने महानगर पालिका के अंदर जनरल बॉडी मीटिंग में चर्चा के दौरान ये वहां पर ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड चर्चा की गई और बताया गया कि आमदार नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर का जो पानी 40-45 ML जा रहा है उसमें से खेरा नंदानी गार्डन्स को पानी देने का पत्र उस तरह का दिया है। मीडिया के न्यूज आने के बाद बावजूद आमदार मेहता साहब ने इस पर कोई खुलासा आज तक नहीं किया और लोगों के
दिशा भूल करने के लिए, ध्यान बदलने के लिए। अधिवेशन चलते अधिवेशन में मंत्री के पास एक बैठक लेकर के ये बताया कि 35 MLD एडिशनल वाटर MIDC के माध्यम से 10 जुलाई तक दे दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, अगर शहर के लोगों को पानी मिलता है 10 जुलाई तक और 24 घंटा अगर पानी मिलता है तो इससे खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। और अगर ये नहीं होता है तो 10 दिन बीतने के लिए कोई लंबा समय नहीं है, 10 दिन के अंदर ये पता लग जाएगा, 10 जुलाई के बाद में तुरंत पता लग जाएगा कि ये आश्वासन कितना सच्चा था और कितना झूठा था। पूरे महाराष्ट्र में दुष्काल की परिस्थिति है, पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका सभी जगह पानी की कटौती है, पानी बरसात एक महीना लेट हो चुकी है, काश्तकार किसान पानी के लिए परेशान है, शहर में पीने के पानी की कटौती चल रही है। ऐसे परिस्थिति में मंत्री महोदय ने अगर यह आश्वासन लिखित स्वरूप से दिया है कि हम 10 जुलाई से 35 MLD पानी, चाहे बरसात हो या ना हो, चाहे डैम में पानी हो या ना हो, मगर मीरा भाईंदर को हम ये 35 MLD पानी देंगे, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, इस पर टीका करने वाली कोई बात नहीं है। मगर पानी आने के बाद हम इसका यकीनन और खुले दिल से जो है मुख्यमंत्री साहब का जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हम स्वागत करेंगे, और अगर नहीं आया तो ये एक फिर से वही वायदा हो जाएगा, जुमला हो जाएगा। शहर में जिस तरह से होल्डिंग सोशल मीडिया पे चलेगी, होर्डिंग्स लगेगी, ये भी उसी प्रकार का एक चुनावी स्टंट कहा जाएगा। भाईंदर पश्चिम के ST महामंडल की जगह का मुद्दा भी इस दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा में आया, जहां राजन विचारे एक ओर अपने पत्रों के साथ मंत्री दिवाकर रावते जी के संपर्क में है, वहीं नरेंद्र मेहता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो भी पिछले 4 महीनों के साथ इस सारे मुद्दे पर प्रकाश डाल रहे हैं। मुजफ्फर हुसैन जी ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ST महामंडल के मुद्दे को और जोर से उछाला और अलग अलग सवाल खड़े किए। आइए नजर डालते हैं ST महामंडल के इस मुद्दे पर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की एक रिक्वायरमेंट थी कि जो भाईंदर वेस्ट में ST डिपो की जगह है, जहाँ पे अवैध रूप से दूसरी गाड़ियाँ पार्क होती है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बसेस वगैरह होती है, कई समय से हम ये जगह मांग रहे थे कि हमको अगर नगर पालिका को मिले तो भाईंदर वेस्ट के अंदर हमारी बसें जो उत्तर वगैरह जाती है, जो कई सुबह वापस हमें डिपो से यहाँ ले आना पड़ता तो वो बसेस हम वहाँ पर रख सकते हैं। उसकी एक बैठक हुई और सेक्रेटरी साहब ने उनके डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि ये मीरा भाईंदर को ये जो है जगह दोनों साथ में वापरे, आप भी वापरे, वो भी वापरे, तो उनको अनुमति दी जाए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट फिलहाल होती नहीं। इस तरह का निर्देश दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि कागजी प्रक्रिया ये आने वाले 10-15 दिन में पूरी होगी और उस जगह का वापर के लिए हमें वो जगह दी जाएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय हुआ, क्योंकि नहीं तो उत्तर को जो सुबह पहली बस छूटती थी तो हमें वो डेपो से बस यहाँ तक लानी पड़ती थी, फिर रात को खाली डेपो, अब वो बस यहीं पे पार्क की जा सकती है और बस अगर सुरक्षित है तो उसकी उम्र भी बढ़ सकती है। इस बारे में एक मीटिंग हुई, आमदार साहब ने ST बस के बारे में कहा, ST डिपो के बारे में, वो आरक्षण भी हम लोगों ने DP प्लान में कराया था, ST बस डिपो का। आज कितने साल हो गए BJP सत्ता में, आज कितने साल है आमदार सत्ता में, क्यों इतने साल के बाद इनको जागरूकता आई एकदम से कि बस डिपो की पार्किंग की जगह चाहिए। JNNURM के अंतर्गत जब बसेस हमने लाई उसका उद्घाटन आपने किया, मुख्यमंत्री साहब ने किया, वो बसेस सड़ गए। पिछले हफ्ते आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से सभी न्यूज़पेपर में न्यूज थी कि मीरा भाईंदर में कितनी BMC की MBBMC की बसेस चल रही है, नाम मात्र बसेस चल रही है, बसेस नहीं, बसेस सड़ गई, चोरी हो गई, उसको खड़ा करने के लिए जगह नहीं थी आपके पास, कहाँ बसेस खड़ी है ये पता नहीं है आपको। लेकिन जैसे ही मीडिया में रिपोर्ट आई कि MBMC का ट्रांसपोर्ट का हाल बुरा है, मीरा भाईंदर शहर के लोग जो है वो त्रस्त है, तो आपने फिर से एक स्टंटबाजी की कि सेक्रेटरी के पास गए, मंत्री के पास जाना चाहिए था, सेक्रेटरी के पास गए और ये कहा जगह हमको दे दो। वहां भी सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि ओपन CRZ है, ओपन पार्किंग के लिए दे सकते हैं, कोई लेकिन निर्देश नहीं दिया। हम उसका स्वागत करते हैं कि आपने लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए, आपने कम से कम बस डिपो का 5 साल के बाद सोचा, जब तक कि बस सारी चोरी हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। आपको JNNURM के तहत आपको कॉन्ट्रैक्ट देना था,
JNNURM के तहत आपको कॉन्ट्रैक्ट देना था, 5 साल से बहुमत आपका है, मगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो बसेस क्यों सड़ गई? वो बसेस इस शहर में क्यों नहीं चल रही है? कौन है इसके पीछे? ये जनता को पता लगना चाहिए कि कौन है इसके पीछे जिन्होंने इन बसेस को सड़ा दिया और ये बसेस की सुविधाएं जनता तक उपलब्ध नहीं कराई। आज भयंदर में प्रॉब्लम है क्या? भयंदर में प्रॉब्लम सालों साल से है, आज आपको नजर आया, लेकिन क्योंकि मीडिया में जैसे ही न्यूज आई तो आपने ये स्टंटबाजी सोशल मीडिया मीडिया का दुरुपयोग करने का प्रयास आपने किया है। हम स्वागत करते हैं कि अगर सरकार ने वो जगह बस डिपो के लिए खड़ी करने के लिए दे दी तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहूंगा सत्ताधारी से कि जैसे 10 जुलाई को आप डैम में पानी नहीं और पानी देने वाले हो, उसी तरह से ये शहर में 10 जुलाई तक जितनी JNNURM की बसेस आई थी उसको आप कार्यरत कराइए। इस शहर में MBMC की बसेस पूरी ताकत से, कितनी बसेस है? 80 बसेस, वो इस शहर में दौड़ती में नजर आनी चाहिए, वो क्यों नहीं आ रही है? तो 10 जुलाई तक अगर आप पानी ला सकते हैं, पानी तो आसमान से भगवान खुदा की मर्जी से गिरेगा मगर बस तो आपकी मर्जी से चल सकती है, तो उसे शहर में चलाइए तो लोगों को कम से कम वो सुविधा प्राप्त होगी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के 145 और 146 दोनों विधानसभा क्षेत्रों में फिलहाल युति के उम्मीदवार ही विधायक है, लेकिन आने वाले चुनाव में इन दोनों को भी अपने घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह पे अपना दमखम दिखाना जरूरी पड़ने वाला है। गड़े हुए मुद्दे अब बाहर आना शुरू हो चुका है और इन मुद्दों पे वार पलटवार दोनों चीजें शुरू हो चुकी है। मुजफ्फर हुसैन, नरेंद्र मेहता, इन दोनों के बीच की लड़ाई क्या तीसरे को फायदेमंद साबित होगी या विधानसभा चुनाव में कोई और रिजल्ट हमें दिखाई देगा, ये देखना अब लाजमी है। आप कनेक्ट रहिए मीरा भाईंदर लाइव के साथ। आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपका उम्मीदवार कैसा हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर आपके पास कोई भी जानकारी या कोई खबर है या कोई समस्या है, हमारी हेल्पलाइन नंबर 9920750750 पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। देखते रहिए मीरा भाईंदर लाइव।